नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। किसानों को भारी नुकसान। जी हां, संभल जिले के ग्राम सिहाबली में हुई भारी बारिश के कारण ओले वृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। हमने कुछ किसानों से जाकर बात की, उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। इसे बताया गया है कि गेहूं की 10 बीघा फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है। सरकार से अपील की गई है कि ओलावृष्टि से हुई भारी नुकसान का मुआवजा दिया जाए। संभल से हमारे संवाददाता मुशर्रफ अल्ली की रिपोर्ट। ग्राम सियावली में मेरे पीछे एक जस्ट खेत है, उसमें भारी तूफान आने से चौपट पड़ी है, नुकसान हो चुका है। अभी देखो हमारे किसान भाई है, इसमें काम कर रहे हैं। अब उनसे पूछते हैं, अब पूछो ये आपका खेत है, तो आप क्या कहना चाहोगे सरकार से इसके बारे में? इसके बारे में हम सरकार से कहना चाहेंगे कि सबसे पहली दिक्कत तो रात भर जगकर किसान खेतों में परेशान है, पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहा है, गायों से रखा रहे हैं। उसके बाद तूफान ने और बारिश ने ओलों से सारी खेती हमारी चौपट हो चुकी है। किसान के लिए गवर्नमेंट को सोचे और इसका मुआवजा हमारे लिए दिया जाए। अब बोलो, आपका लगभग काफ़ी नुकसान हो चुका है, कितना नुकसान हो चुका है आपका? मैक्सिमम 30 बीघे की फसल मेरी जा चुकी है बिल्कुल। आप कहाँ से हो? यही जगह साहब सियावली के, फारूक हमारा नाम है। ये हमारी खेती तुम देख रहे हो चारों लंग, ये सिगरी चौपट हो चुकी है। अच्छा, रात भरा मैंने वैसे रखा थे, अब साहब ओला दृष्टि से यही 8 बीघा गेहूँ है, इनसे हम परे बेच गए जमीन पे, का बाल का लोग हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, पूछो सरकार से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे सरकार से साहब, जो भी सहायता किसान बीमा योजना से किसी तरह से हमें जो भी लाभ मिल जाए, बेहद अपने बालकों का गुजारा तो होना ही चाहिए ना, कैसे करें बताओ। ये 8 बीघा गेहूँ और आप देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक पूरी फसल बर्बाद पड़ी है हमारी। कुछ करते हैं, अब बोलो आपको किसान बीमा योजना का लाभ मिला या अभी तक नहीं मिला कोई? नहीं साहब, अभी तक तो कोई किसान बीमा योजना का लाभ नहीं मिला सरकार की तरफ से। हम तो बिल्कुल परेशान हैं। आलू है वो हमारी फसल, आलू की बिल्कुल मारी गई, आलू में कोई नहीं बैठे, ये आलू की हमारी खाली जमीन भूमि पड़ी है, ये देख रहे हो। कितने बीघे जमीन है आपके पास? 14-15 बीघे जमीन है साहब हमारे पास, कुछ में आलू है, किस में ये लेटा है और कुछ में ये गेहूं है। गेहूं की फसल बर्बाद है, लेटे बर्बाद है और आलू भी बर्बाद है साहब। रेडी, ये देखो अभी बेचारे अपने गेहूं को देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं इनकी, लेकिन एक बार और हम इनसे बात करना चाहेंगे। आइए आवाज़, क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहोगे? जी मैं कहना चाहूँगा, मेरा नाम हसमुद्दीन है और मैं अपने खेत में खड़ा हुआ हूँ। अभी तक कोई हमें गवर्नमेंट की तरफ से लाभ नहीं मिला, जो किसानों को 2000 रुपये मिले थे वो भी मेरे को नहीं मिले कोई भी पैसा, और सारी फसल मेरी बर्बाद हो चुकी है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में हमारे लिए कोई लाभ दे और हमारा मुआवजा हमें दे, जो हम अपने बच्चे पाल सकें। ओके ओके, मैं फास्ट न्यूज इंडिया से इंचार्ज। आंवला में निकली रंग यात्रा। जी हां, आंवला में गत वर्षों की भांति होली पर्व पर आंवला के गज त्रिपोलिया से एक चौपाई निकली, जिसमें रंग गुलाल अबीर उड़ाते हुए हुरियारों की टोली नाचते गाते हुए मोहल्ला भुर्जी टोला पहुंची, जहां पर पूर्व पालिका सदस्य गुलजारी लाल चंद्रा ने हुरियारों के साथ चेयरमैन संजीव सक्सेना, जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल, प्रमोद अनुरागी, सुभाष रस्तोगी, बॉबी सभासद, जितेंद्र चंद्रा, राधेश्याम मौर्य, रामदीन सागर आदि का गुलाल चमेली की पुष्प मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। यहां पर सभी ने एक दूसरे के गुलाल लगाकर होली खेली। वहीं हुरियारों की टीम से बड़ी बड़ी पिचकारियों के साथ एक दूसरे से रंगों का मोर्चा खोला। वहीं आंवला के प्राचीन होली के बारे में इतिहासकार गिरिराज नंदन गुप्ता ने हमारे चैनल के माध्यम से चौपाई व रंग यात्रा के बारे में जानकारी दी। वहीं होली के त्योहार के मद्देनजर पुलिस प्रशासन जगह जगह अलर्ट दिखा। बरेली से हमारे संवाददाता हेडली मसीह की रिपोर्ट। जो आंवला की होली, इसके बारे में जानकारी दीजिए। एक दिन इधर से रंग यात्रा जाती है, अगले दिन उधर जाती है, कितनी पुरानी परंपरा है? ऐसा है, ये लगभग 100-125 साल से ज्यादा पुरानी परंपरा है। यहाँ पर जब पहले ये पूरा क्षेत्र जो था वो आबादी से कुछ ज़्यादा घना नहीं बना हुआ था,
यहाँ से किला मोहल्ला से बैरिया से शुरू हम चलते हैं, अब तो बहुत सी आबादी बन गई, कहीं पर खाली जगह नहीं दिखाई देती, लेकिन पहले बहुत होती थी। तो उसमें उस समय के बुज़ुर्गों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि किसी तरीके से भी सब लोग अपने होली त्यौहार को बहुत एक अपने पारंपरिक ढंग से, और जो खेलने की परंपरा है, मोर्चा खेलने की परंपरा है, उसमें उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि एक दिन पहले, यानी जिस रात्रि को होली जलती है, उस रात्रि से पहले एक ग्वालिया से होली शुरू होती है। और ये यहाँ पर ये भूमि विकास चौराया जो आजकल बना हुआ है, वहाँ से भूमि देखते हैं विकास चौराहे से लेकर, फिर हम वहाँ भुर्जी टोला पर होते हुए, फिर छोटी बाज़ार होते हुए, छोटी बाज़ार में वापस आते हैं कटरे पर होते हुए, फिर यहाँ इधर फिर वापस आते हैं इसी पटरी से, तो उधर फिर उधर होते हुए आते हैं। तो इसमें जो है कई स्थानों पर होली का मोर्चा लगता है। मोर्चे में इस प्रकार से होता है कि एक तरफ एक टोली खड़ी हो जाती है, दूसरी तरफ दोनों टोली, तो जहाँ से जाने वाली टोलियाँ हैं उनमें जितने भी लोग एकत्रित होते हैं वो वहाँ की स्थानीय टोली से संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे के मुकाबले खेलते हैं। बड़े बड़े ड्रमों में हैंड पंप लेकर के और बौछार मारी जाती है एक दूसरे के ऊपर पर, ये बौछार मारी जाती है कि ये हट जाएं। तो एक स्पर्धा होती है, आपसी स्पर्धा प्यार से परिपूर्ण होती है, गाजे बजाते रहते हैं, खूब आनंद लेते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, होलिका की जय बोलते हैं और इधर से जाते हुए फिर वापस आते हैं। तो ये परंपरा डाली कि इधर से गए, यानी कटरे के होते हुए बड़ी बाज़ार में जो है वो अब तो नहीं रही है, लेकिन छोटी बाज़ार में होते हुए और कुएँ पर होली होती है, बहुत अच्छा मोर्चा लगता है, मुर्जी टोले में बहुत अच्छा होता है। और पहले तो जब घरों पर चबूतरे थे तो उनके चबूतरों पर मोर्चा हो जाता था, अब चबूतरे समाप्त हो गए, सारे वहाँ से स्टेट बैंक से लेकर के और यहाँ त्रिपौलिया तक सब दुकानें बन गई, पहले सब मकान थे और चबूतरे थे उनको होली होती थी। दूसरे दिन तो ये होता है कि कटरे की तरफ से एकत्रित होकर के लोग आते हैं, तो पहले वो त्रिपौलिया की तरफ आते हैं, तो विभिन्न जगहों पर मोर्चे होते हैं, इन्हें मोर्चा कहते हैं, एक पार्टी एक तरफ दूसरी तरफ, रंग भरा हुआ है, गुलाल पड़ा हुआ है, उसमें जो है वो पिचकारियों से रंग डालना है और बड़ी बड़ी पिचकारी से डालना है, फिर त्रिपौलिया होते हुए लड़े का मोहल्ला होते हुए फिर आखिरी पड़ाव थाने में होता है, वहाँ अनुपरम होली। अंतर यह है कि पुरानी होली में, उस समय की होली में सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि बाहर शहर के सभी संभ्रांत लोग आया करते थे, पहले हुड़दंग ज़रा कम था, लेकिन अब हुड़दंग तो कम है, क्योंकि पहले की होली में मैं आपको बताऊं, मैं भी उनमें शामिल रहा करता था, पहले ये कच्ची सड़कें हुआ करती थी, कच्ची सड़कों में कपड़े में रुई मिट्टी भर करके एक दूसरे फेंकते थे, तो इस विषय में बहुत सुधार हुआ है और अब कोई ऐसी गंदगी नहीं होती है। पहले बोर्ड तोड़ देते थे, बोर्ड जो कुछ लगे हुए थे होते तो उखाड़ के ले जाते थे, गंदगी फैलाते थे, कुत्तों को मार करके टांगते थे, अब कुछ नहीं होता है। अब हमारे यहाँ की होली बड़ी शुद्ध होती है, बड़े आराम से अच्छे तरीके से होती है, लेकिन अब गंदगी बिल्कुल नहीं होती है। ज़्यादा प्रेम दिखाई पड़ रहा है, देखिए प्रेम तो समय की बात है, पहले भी प्रेम कम नहीं था, अब भी प्रेम कम नहीं है, लेकिन पहले क्योंकि समाज के बहुत बड़े वर्ग के लोग आते थे इसलिए बहुत बड़ा मिलन होता था। मैं आपको बताऊँ होली की कैसे, आज होली इधर से गई है चौपाई और कल इधर से आएगी, तो उसके बाद चार बजे के बाद होली मिलन चलता है। तो पहले एक परंपरा थी, गंज के लोग उसी दिन इकट्ठे होकर के कपड़े वपड़े पहन करके सबसे मिलने जाया करते थे, कटरे में वहाँते थे, जाते थे, अनुपरा में जाते थे, लेकिन अब वो परंपरा समाप्त हो गई। अब कभी कभी एक बीच में परंपरा आई होली मिलन की, अब होली मिलन की परंपरा भी बहुत दिनों से नहीं हुई है। अब यही है कि बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी दूर पर जा करके एक दूसरे से होली मिल लेते हैं, लेकिन चौपाइयों के रूप में अब नहीं होती। पहले चौपाइयाँ निकलती थी, गांव से होली नाचने वाले लोग आते थे और एक दूसरे के कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, इनाम लेते थे और खूब आनंद रहता था। वैसे आनंद अब भी है, क्योंकि अब जो है वो मोबाइल के ज़रिए बहुत आनंद बढ़ गया, आप भी बैठे हुए हैं मोबाइल पर चर्चा होली की देख रहे हैं और आप भी होली की जो हैं वो खूब खींचेंगे। पहले इतनी तस्वीरें कहाँ आती थी होली की, अब तो हर मोर्चे की तस्वीर आप लोगों के पास है, तो अब और आनंद है, तो और आनंद था, आनंद न कम था न अब कम है।
सांसद के विश्वास पर खरा उतरूंगा, संतोष गौड़। जी हां, आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर महामंत्री संतोष गौड़ को अपना आंवला तहसील का प्रतिनिधि नियुक्त किया है। अब सांसद की अनुपस्थिति में संतोष गौड़ तहसील क्षेत्र में होने वाली विभिन्न सभाओं व बैठकों में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। इस पर संतोष गौड़ ने सांसद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह सांसद जी के विश्वास पर हमेशा खरे उतरेंगे। बरेली से हमारे संवाददाता हैडली मसीह की रिपोर्ट। आपको जो सांसद प्रतिनिधि बनाया उसके बारे में क्या कहेंगे? सांसद प्रतिनिधि जो बनाया है, सांसद जी हमारे प्रतिनिधि ने जो मुझे भरोसा और विश्वास जताया है उस भरोसे पर पूरा खरा उतरूंगा। भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और नीतियों को पूर्ण रूप से काम करूंगा। जनहित में के लिए पहले भी मैं काम करता रहा और आज भी काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। इससे पूर्व मैं आंवला मध्यंतरवाड़ी इकाई मंडल इकाई में महामंत्री रहा है। उसी प्रपाटी के आगे बढ़ते हुए मुझे ये पद मिला। बस धूमधाम से मनाया गया होली रंग का त्योहार। जी हां, जौनपुर थाना मछली शहर के अंतर्गत गांव रामनगर में बड़े ही धूमधाम से होली रंग का पर्व मनाया गया, जिसमें एक दूसरे से भाईचारा गुलाल लगाकर मिलते हुए नजर आए और होली गीत राहुल पंडित, प्रभाकर बाबुल नाथ, संजय पांडे द्वारा होली गीत का आनंद सभी ग्राम वासियों ने मिलजुल कर लिया। इसी के साथ रंग त्योहार को मिलकर PCS अधिकारियों प्रमोद पांडे, एडवोकेट वकील राजन पांडे, राम राम पांडे ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति सबसे अच्छी है और सबसे सुंदर है। यह होली का त्योहार एक दूसरे को लेकर भाईचारे का त्योहार। जौनपुर के सुजानगंज से हमारे संवाददाता रवि कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मिश्रा फास्ट न्यूज इंडिया टीवी चैनल से। मैं इसमें खड़ा हूँ थाना मजिस्ट्रेट के अंतर्गत गांव रामनगर है, जहां पे होली का समारोह यहां पे आयोजित है। यहां पे होली सम्मेलन में काफ़ी लोग आयोजित हुए हैं। यहां पे मैं दिखाना चाहूँगा, यह गाँव रामनगर है। यह गाँव रामनगर में राजेश पांडे प्रधान के यहाँ जो है होली का समारोह आयोजित किया गया। आइए हम आप सबको दिखाते हैं यहाँ पे कैसा होली मनाया जा रहा है। ओके, बढ़िया। अरे Thank you.
सर आपका शुभ नाम क्या है और आपका परिचय आप अपना। मैं राजेश कुमार पांडे एडवोकेट इलाहाबाद उच्च न्यायालय बोल रहा हूँ। सर आप ये बताइए जो होली का समारोह चल रहा है इसमें और होली को लेकर काफ़ी अफवाह भी चला है कोरोना वायरस को लेकर के काफ़ी जगह होली नहीं मनाई जा रही, आप इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए सनातन धर्मावलंबियों के लिए होली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस वर्ष कोरोना नामक संक्रामक बीमारी से रंग में भंग की स्थिति है। यद्यपि इसमें अफवाह ज़्यादा है वास्तविकता कम है, इसमें जागरूकता की ज़रूरत है। बाकी होली का पर्व तो पूरे देश में बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना का भय भी समाज में व्याप्त है, इससे थोड़ा सा रंग में भंग की स्थिति बनी हुई है। ये होली का त्यौहार जो चल रहा है आप इसके विषय में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए होली का त्यौहार हम हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लास का पर्व है। यहाँ पे सभी लोग हर
बिरादरी के, जात के, मत के एक जगह इकट्ठा होकर के बड़े ही उल्लास के साथ होली का पर्व मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, मिष्ठान खाते हैं, गले मिलते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। आइए अब हम चलते हैं हमारे गांव के निवासी जो हैं माननीय प्रमोद पांडे पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं। आइए हम उनसे ज़रा जानते हैं ये जो होली का त्यौहार चल रहा है इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। शुभ नाम क्या है, आप अपने परिचय बताएं। कुमार पांडे, असिस्टेंट कमिश्नर, कमर्शियल टेस्ट, उत्तर प्रदेश। हाँ सर, आप ये बता दीजिए जो होली का त्यौहार चल रहा है, आप काफ़ी अफवाह लेकर उड़ाए हुए हैं, इसमें काफ़ी दिक्कतें लोगों के बीच आ रही है, आप इसके पीछे में क्या कहना चाहते हैं सर? होली का त्यौहार हमारी लोक संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार रहा है और सामाजिक समरसता की भावना इस त्यौहार में दृष्टिगत होती है। रही बात संक्रामक रोग की, तो अफवाहें तमाम प्रकार की फैल रही हैं, तो हमारी जो सलाह है वो ये है कि इसमें नित्य सावधानी बरतें, मास्क का प्रयोग करें। तो हालांकि ये पता चला कि चीन से इस ढंग से बीमारी यहाँ आई हुई है, लेकिन हम अगर सावधानी बरतेंगे तो उसमें हमको सफलता मिलेगी, किसी प्रकार की कोई संग्रहित दिक्कत नहीं है। ठीक, जिससे कि हमारी इस जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उसमें प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये जो काफ़ी अफवाह चल रहा है होली का त्यौहार को लेकर, आप भारतीय संस्कृति के विषय में क्या कहना चाहते हैं? भारतीय संस्कृति दरअसल भारत शब्द ही एक विशिष्टता है हमारी, विविधता में एकता। और ये जो होली का त्यौहार है इसमें एक समागम होता है, धर्म जाति परंपरा से उठ करके हम सबसे गले मिलते हैं। और खासकर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कई जगह हम गए, रामनगर जिस ढंग से होली का त्यौहार विशिष्ट है उसी प्रकार से रामनगर उत्तर प्रदेश में विशिष्ट है। जो लोग संस्कृति लोक परंपरा यहाँ बहती है वो कहीं हमको देखने को नहीं मिलता है। हम खुद गौरवान्वित महसूस करते हैं, बाहर जाते हैं तो, और अपनी संस्कृति का जो भाव यहाँ प्रदर्शित होता है वो कहीं दिखता नहीं है। ये हमारे देश के लिए और हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक विशेष उदाहरण। थैंक यू, धन्यवाद। इन्हीं के साथ में हमारे जो है गांव के ही निवासी माननीय रमाराम पांडे पूर्व रिटायरमेंट अध्यापक हैं, आइए हम उनसे ज़रा जानते हैं होली के विषय में को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। आज का यह है रंग उत्सव, आप सभी को मंगलमय हो। मेरी केवल एक प्रार्थना, निवेदन, विनती, होली के रंग बदरंग न होना, प्राकृतिक रंग कभी मत खोना। अपना प्राकृतिक रंग, अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और समन्वय को हमें नहीं खोना चाहिए। किसी भी असुविधा दुविधा में ग्रस्त होकर के आपस में भिड़ना नहीं चाहिए और अपने ऊपर हो रहे सांस्कृतिक अत्याचार या प्राकृतिक अत्याचार के लिए हमें सन्नत रहना है। आज हमारी होली इसी मंगलमय कामना के साथ संपन्न हो रही है। आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद, साधुवाद। ग्राम प्रधान राजेश पांडे जी हैं, इनसे पूछते हैं आप होली के विषय में क्या कहना चाहते हैं प्रधान जी? अरे होली एकदम चकाचक है, होली चल रही है भाई हमारे गांव में। प्रदेशवासियों को, ग्रामवासियों क्या कहना चाहते हैं होली के विषय में? एकदम ग्रामवासी सब एकदम होली मना रहे हैं चकाचक। होली मिलन समारोह मनाया गया, जी हाँ, जनपद उन्नाव के विधानसभा भगवान नगर के अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत भगवान नगर में होलिका दहन होली मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष शुक्ला और फरिंकू शुक्ला के नेतृत्व में एक मिलन समारोह मनाया गया। नगर के सभी नगर वासियों ने मिलकर एक त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसमें मौजूद लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह होली का त्योहार मनाया और एक दूसरे को गले लगाया। इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से हर साल मनाया जाता है और फाग का आयोजन भी किया गया है, जिसमें प्रमुख मौजूद लोग चेयरमैन प्रतिनिधि आशीष शुक्ला उर्फ रिंकू शुक्ला व सभासद वार्ड नंबर 2 राजेंद्र कुमार, सभासद वार्ड नंबर 4 प्रतिनिधि राज बहादुर और मिशन सुरक्षा परिषद के तहसील अध्यक्ष अमित कुमार व नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश साहू व विनय बाजपेयी, संजय कुमार, इमरान, हिमांशु आर्या आदि सभी लोग मौजूद रहे और होली मिलन समारोह को सफल बनाया। उन्नाव से हमारे संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा भगवंत नगर के अंतर्गत नगर पंचायत भगवंत नगर में
हजारों वर्ष पुरानी परंपरा होलिका दहन जो आज यहां पर भगवान नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और यहां पर तरह तरह की झांकियां और नगरवासियों में इतना हर्षोल्लास है यहां पर देखने को मिल रहा है। और मैं कैमरामैन जिनसे कहूंगा कि यहां पर जो अनेकों प्रकार की झांकियां हैं, जैसे कि यहां पर स्टार्टिंग में ही झांकियाँ दर्शाई जाना और यहां पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जा रहा है, सभी ग्रामवासियों द्वारा मिलकर मनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सभी ग्रामवासी इतना ज़्यादा खुश हैं। और मैं कैमरामैन जिससे कहूँगा कि यहाँ की जो सजावट है जनता को दिखाने महावीर मंदिर है और यहाँ पर भी कितनी अच्छी तरह से सजावट की गई है। और मैं कैमरा में जिसे कहूँगा कि शीघ्र उस स्थान पर चले जहाँ पर होलिका जल होलिका दहन स्थल है और वहाँ पर Oh,
पीछे आ गए। जैसे कि मैं यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय जी के पास स्थित हूँ और जैसे कि होलिका महोत्सव मनाया जा रहा है उन्नाव जिले में, मुझे लगता है ऐसा कहीं नहीं मनाया गया हो। मैं इनसे प्रतिनिधि से मैं डायरेक्ट बातचीत करना चाहूँगा और इस विषय में जानकारी चाहूँगा। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को, देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई देता हूँ। आज होलिका दहन का कार्यक्रम है, आज का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम लोग भी अपनी नगर पंचायत भगवत नगर में होलिका दहन के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से मना रहे हैं। भगवत नगर की जनता बहुत उत्साहित है क्योंकि ऐसा कार्यक्रम होलिका दहन का पहले कभी होता नहीं रहा। इस बार जनता के प्रयास से और सबके सहयोग से इतना भव्य होलिका दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें जनता का उत्साह देखते हुए बन रहा है। पूरे क्षेत्र की जनता आज केवल इस भगवत नगर में होलिका दहन का कार्यक्रम देखने आई है। होलिका मिलन तो कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में होते हैं, होली मिलन, लेकिन होली दहन का कार्यक्रम इस तरह का मेरे ख्याल से हर जगह नहीं मनाया जाता है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि अगले साल से इस तरह के होलिका दहन कार्यक्रम बढ़ चढ़ के आयोजित किए करें जिससे लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक होंगे। और यहाँ पर और भी हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा कि इस होलिका दहन स्थल पर आए हैं और इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और ऐसी शुरुआत संभवतः हर जगह होनी चाहिए और नगर पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा ये दूसरा वर्ष है जो इस तरह की होलिका दहन का आयोजन किया गया है और हम सभी लोग उत्साहित हैं। पूरा क्षेत्रवासी, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं ऐसी होलिका दहन, क्योंकि नहीं लगता कि कहीं जनपद में आसपास भी कहीं होती होगी, तो हम सभी लोग आभारी हैं कि उन्होंने इतना भव्य तरीके से इस आयोजन को किया है। इसके लिए हम सभी लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। ये थे अभी की कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।